हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम बात करेंगे 70,000 के अंदर मिलने वाले हल्के फुल्के बट पावरफुल डब्बों के बारे में। एंड ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो देश का भविष्य बनाने के लिए अपने जीवन के प्रमुख 4 साल देने वाले हैं, ऐसा उनका सोचना है अपने बारे में। बट एक्चुअल में तो वो मजे करने ही जा रहे हैं, पढ़ाई तो सेकेंडरी ही होगा। एनीवेज, अब उन्हें जो करना है वो करने दिया जाए। हमारा काम उनके मजे की जिंदगी में 4 चांद लगाने वाले लैपटॉप का चुनाव करने में उनकी मदद करना है। सो हम बढ़ते हैं उसी काम में। एंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और भी मजेदार टेक वीडियोस के साथ कीमती टेक जानकारियों के लिए। ऐसा नहीं है कि बस सब्सक्राइब कर लें, 2-4 वीडियो देख लो, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो। सो वीडियो शुरू करने से पहले हम 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी निपटा लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टूडेंट के लिए लाइट वेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बल्कि लैपटॉप लेके उनको हाथ या पैर का मसल नहीं बनाना है, उनको 4 साल सर खपा के दिमाग के मसल बनाने हैं। सो लाइट वेट विद गुड पावरफुल प्रोसेसर जिसमें उनका काम के एप्लीकेशन 4 साल आराम से सके, वो इंपॉर्टेंट है उनके लिए। इसलिए इफ पॉसिबल गो फॉर 14 इंच लैपटॉप, स्क्रीन विद 15.6 या 17.3 इंच थोड़ा बल्कि हो जाएगा उनके लिए। पॉइंट नंबर 2, एच सीरीज प्रोसेसर या डेडिकेटेड जीपीयू वाले लैपटॉप लेना आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि ये ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, सो बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा। प्लस ये दोनों रहने से आपके लैपटॉप में ज्यादा हीट जनरेट होगा, जिसके लिए बेटर कूलिंग सिस्टम चाहिए, जो कि प्रोफेशनल या स्टूडेंट लेवल लैपटॉप वाले में आपको खास नहीं मिलेगा, बट उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो डिजाइनिंग 3D एनिमेशन और मॉडलिंग के स्टूडेंट है, देन ये लैपटॉप्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बेटर यू गो फॉर गेमिंग लैपटॉप्स, उसमें आपको गुड जीपीयू के साथ और ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर मिलेंगे इन अप्रॉक्स सेम बजट। उन लोगों को दिमाग के साथ साथ पैर और हाथ के भी मसल बनाने जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, ये बात आप याद रखो कि इसमें पढ़ाई के सिवा और कुछ खास नहीं होगा, लाइक गेमिंग, स्ट्रीमिंग, 3D मॉडलिंग, इन सबको आप नहीं कर सकते। लो एंड गेमिंग शायद चल पाए इंटीग्रेटेड जीपीयू में, जैसा कि वैलोरेंट, CS:GO और GTA 5 टाइप। हाँ, मूवीज, एनिमे, ये सब टाइम पास अगर आप करना चाहते हैं तो वो आराम से चलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पॉइंट नंबर 4, अगर जल्दी नहीं है तो भाई अपने दोनों बड़े अंकल सेल के साथ कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, अपने घर के सारे सामान बाहर निकालेंगे, तो उसका वेट कर लो एंड अच्छे डिस्काउंट के साथ फेवरेट डब्बे को अपना जीवन साथी बना लो। नाउ अब सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो बढ़ते हैं आगे। पहला लैपटॉप है इस लिस्ट में लिनोवो आइडियापैड स्लिम। इस लैपटॉप में आपको मिलेगा राइजन 7 5700U विद प्राइस ऑफ 69,000। सो 5700U एक 8-कोर 16-थ्रेड का कूल लो TDP वाला प्रोसेसर है, जिसका बेस क्लॉक है 1.8 GHz एंड बूस्ट अप टू 4.3 GHz। इसका TDP कैन बी कॉन्फ़िगर्ड बिटवीन 15-25 W। एंड एक इंपॉर्टेंट बात कि ये 5000 सीरीज देख के कंफ्यूज मत हो जाओ, ये Zen 2 आर्किटेक्चर बेस्ड ही है, ना कि Zen 3। सो ये एक जनरेशन पीछे वाला प्रोसेसर है, स्टिल वेरी पावरफुल है। Zen 3 में आपको 5600U एंड 5800U आता है, जो कि 5000 सीरीज में है। बाकी 5700U में इंटीग्रेटेड GPU भी मिलेगा, विच इज वेगा 8, जो कि कुछ हद तक गेमिंग आपको आसानी से करा सकता है। दूसरी बात, मैंने चेक किया है ऑटोडेस्क का ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, जो कि आई गेस सबसे भारी पड़ेगा आपको आपके लैपटॉप के ऊपर में, जिसका रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम 3+ GHz वाला प्रोसेसर, जो कि ये प्रोसेसर आसानी से पूरा करता है। तीसरा, ये 1080p डिस्प्ले वेरी थिन बेजल के साथ एल्यूमिनियम सरफेस बेस्ड लैपटॉप है, जिसका स्टोरेज है 512GB एंड रैम 16GB है। बाकी इसमें साथ में मिलेगा विंडोज 10 एंड ऑफिस 2019 प्री इंस्टॉल्ड। मेन थिंग, इसका वेट जो है वो 1.66 kg है, थोड़ा भारी हो सकता है आपके लिए। बाकी वेबकैम 720p का, 57 Wh का बैटरी विद रेपिड चार्ज। एक ड्रॉबैक मिलेगा, ये वाईफाई 5 के साथ मिलता है, नॉट विद 6, बट वैसे भी वाईफाई 6 का इंप्लीमेंटेशन थोड़ा महंगा पड़ता है, एंड आई एम श्योर कि कॉलेज में तो आपको वाईफाई 6 नहीं मिलेगा। वैसे ये सेम लैपटॉप फ्लिपकार्ट पे फिलहाल 1000 कम में मिल रहा है, तो आप चाहे तो वहां से परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लिनोवो योगा स्लिम 7। ये आएगा AMD राइजन 7 4800U के साथ। सो ये भी 8-कोर 16-थ्रेड का ही प्रोसेसर है, विद अप्रॉक्स सेम कॉन्फ़िगरेशन लाइक 5700U। इसका प्राइस भी 69,000 है, बट डिफरेंस इज कि इसमें 8GB मिलेगा विद 100% sRGB एंड 300 nits ऑफ ब्राइटनेस। इसका वेट होगा ओनली 1.33 kg एंड ये 14 इंच का लैपटॉप है, सो काफी लाइट वेट रहेगा। स्टोरेज इसका भी सेम है, 512GB SSD। इसमें भी विंडोज 10 एंड ऑफिस 2019 मिलेगा दहेज में। बाकी वही 60.7 Wh का बैटरी विद 65 W AC अडाप्टर। वाईफाई 6 मिलेगा आपको, ये एक बेनिफिट है इसमें। सो फिलहाल के लिए तो ये दो लैपटॉप ही मुझे सही लगे अपने देश के भविष्य के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया, लिनोवो वाले में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, लिनोवो योगा में फेस अनलॉक है विंडोज हेलो के साथ। बाकी इंटेल की तरफ मैं
नहीं गया क्योंकि उसमें इस रेंज में मुझे सिर्फ 1135 G7 या 10210U वाला प्रोसेसर मिल रहा है जो कि 5700U से कमजोर है, इसके लिए मैंने उसको लिस्ट में ऐड नहीं किया। और अगर आपके पास एक बड़ा बजट है लाइक 1 लाख का, तो नो डाउट गो फॉर एप्पल मैकबुक एयर विद M1 चिप, ये बेस्ट है। बट याद रहे इनका OS एंड स्टाइल डिफरेंट है विंडोज से, सो अगर आप फेमिलियर नहीं है तो आपको बाद में सीख करके काम करना पड़ेगा, बेकार बेफजूल में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको। एंड दूसरी बात, आपको सारे सॉफ्टवेयर खरीदने ही पड़ेंगे, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दैट। सो ये थे 2 लैपटॉप्स, मेरे हिसाब से ये सही रहेंगे स्टूडेंट के लिए। बाकी अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।